वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास में। फ्रेंड्स अगर आप सभी भी एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो कि दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी गए हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं और सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का, प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। यानी कि दोस्तों पहला जो क्वेश्चन लिया गया आप सभी के सिंधु सभ्यता से लिया गया है, यानी पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किसके पूजा किया करते थे। ऑप्शन ए में है पशुपति की, बी में ब्रह्मा की, सी में विष्णु की और डी में इंद्र की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति के पूजा किया करते थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपसी का, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिससे दयाराम सानी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में दोस्तों इसे खोजा गया था, यानी खुदाई किया गया था, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे, ठीक, ये बात को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसी के अच्छे खासे एग्जाम में बन जाते हैं। प्रश्न नंबर टू है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी फ्रेंड्स वो कब लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1799, बी में 1761 और सी में है 1771 और डी में है 1769। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अब आप सभी को ये बात बताना है कि जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था आखिर किसके बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों आप सभी को लग रहा है कि एग्जाम में बहुत काफ़ी समय है, तो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना, और इसका अच्छे खासे पोस्ट पर भी वैकेंसी आ रहा है। तो आप सभी को अभी से लग जाना है एग्जाम की तैयारी करने में, ठीक है ना, क्योंकि वही लोग सफल हो पाएंगे जो कि 4-5 महीना पहले से तैयारी में लगे। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आया आज और कल से लगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। जो मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली गई थी वो कौन सी लड़ाई के बाद डाली गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद से मुगल साम्राज्य की नींव डाला गया था, ठीक है ना। पानीपत के प्रथम लड़ाई की बात करें तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था और 1526 ईस्वी 21 अप्रैल और 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है ना। वहीं बाबर दोस्तों जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण भी किया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर फोर है दोस्तों। यहाँ पर हमने जहाँ तक ले बात किया जाए कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर करने का कोशिश किया, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसी के एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करें फ्रेंड्स कि कब लड़ा गया था, तो ये युद्ध आप सभी का 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर फाइव है दोस्तों आप सभी के लिए टोटल 25 क्वेश्चन लिया गया। अगर आप सभी को क्वेश्चन आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, ठीक है ना। फाइव नंबर प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली के लाल किला की बात करें दोस्तों कि किसने बनवाया था, तो वो शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया शेरशाह और अकबर और थोड़ा सा हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुमायूं दोस्तों ये बाबर का बेटा था। कौन था दोस्तों? ये बाबर का बेटा था हुमायूं। दोस्तों कई युद्ध लड़ा ये, इसने दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर सिक्स आप सीखा कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। यानी कि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों जो कि 1919 में
ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि कांड हुआ था, इसमें कौन सा जो जनरल था जो कि उत्तरदायी था इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा सेवन का, जनरल डायर था, ठीक है ना, जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है दोस्तों एट नंबर की, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें दोस्तों कि किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मैसूर का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था, उसका इश्यू बताना, उसका समय बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसी का नाइन नंबर। दोस्तों अभी तक आप सभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल जहाँ से आप सभी को एग्जाम तक ले दोस्तों आपसी के साथ डटे रहेगा और आपसी के लिए बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करेगा। तो आप सभी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का नाइन नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन था वो कौन सा था? तो दोस्तों होम रूल हो जाएगा, होम रूल ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का दस नंबर कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराने शहर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा दस का हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों सबसे पुराना शहर है जिसे 1921 ईस्वी में दोस्तों खोजा गया था, जहां पर कि अन्नागार स्नानागार दोस्तों जो बहुत सारे चीज़ें यहां से देखने को मिली थी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। यहां पर बड़ा अन्नागार, बड़ा स्नानागार दोस्तों, और RS-37 यहां पर कब्रिस्तान भी मिला था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संगीत का अधिग्रस्त किसे कहा जाता है? तो संगीत यानी कि जो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों जिसमें संगीत के बारे में बताया गया है, तो वो हो जाएगा दोस्तों उसी का सामवेद। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? दोस्तों ये वेद से प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी इंद्र हो जाएगा। इंद्र को दोस्तों पुरंदर शब्द से इन्हें संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था? दोस्तों वंश और संस्थापक से आपसी के एक से दो प्रश्न का दो प्रश्न आपसी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो लोधी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोधी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसी का 14 नंबर कि महमूद गजनी ने किस वंश का था, यानी कि महमूद गजनी जो था वो किस वंश का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा यामिनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, यानी कि दोस्तों विदेशी यात्री कौन था जिसने भारत में पहली बार दौरा यानी कि आया था, घुमा था? तो था दोस्तों मेगास्थनीस, ठीक है ना, मेगास्थनीस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 16 नंबर कि बाल भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के की बात करें कि किस काल में सबसे अधिक जारी किए गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, गुप्त काल में सबसे अधिक दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन यह मेंशन नहीं किया गया था कि दोस्तों शुद्ध सोना था या सिर्फ सोना था, ठीक है ना। और दोस्तों बात करें जो मिट्टी का बनाया गया था जो सिक्का, वो सिंधु सभ्यता में बनाया गया था, ठीक है ना। सॉरी, अगला प्रश्न है आपसी का 18 नंबर कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्तकालीन को शासक को कविराज कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें फ्रेंड्स तो ये था श्रीगुप्त था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली खरोष्ठी हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे 21 नंबर की मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज का प्रयोग किया था? तो वो था चावल, और सबसे पहले जो आया था वो गेहूँ और जौ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे 22 नंबर
गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल वस्तु हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर की, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों आप सभी को बता दें कि राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिए थे सबसे पहला उपदेश। अगला प्रश्न है आप सभी का 24 नंबर की, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो मौर्य हो जाता है, और मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके दोस्तों इसके फाउंडेशन था, फाउंडर था दोस्तों, यानी कि खोजकर्ता था, इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जिसने दोस्तों सिल्युकस निकेटर की बेटी हेलना से शादी किया था, और जो सिल्युकस निकेटर था उसका राजदूत मेगास्थनीस इसके दरबार में आया था, और इसके दरबार में आने के बाद जो मेगास्थनीस था एंडिका नामक पुस्तिका को लिखा था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते 25 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे, और ऐसे रिलेटेड और सारे आपसे वीडियो देखना चाहते SSC GD से रिलेटेड तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो डाला गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।